नर्मदा नदी के किनारे बसा एक ऐतिहासिक और आध्यात्मिक स्थल, जिसे देखने महसूसने विश्व भर के पर्यटक आते हैं। कहते हैं और नदियों से जो पुण्य डुबकी लगाने से मिलता है, वो पुण्य नर्मदा के दर्शन मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। इस शांत नगरी के पास बसे चोली गांव में पद्मा अपने दो बच्चों, पति और उनके परिवार के साथ संतोषपूर्वक अपना जीवन बिता रही थी, जब एक दुर्घटना में उसके पति की मृत्यु हो गई। पद्मा के इस बिखरे हुए जीवन के बाद ससुराल वालों ने बड़ी बेरहमी से उसे और उसके दोनों बच्चों को घर परिवार से बेदखल कर दिया और उसके हिस्से की जमीन पर कब्जा कर लिया। ऐसे में बेसहारा पद्मा के पास मायके के अलावा और कोई आसरा नहीं बचा था। 18 साल के हो जाएंगे, जब देंगे। वहाँ तो तारीखें दे देते थे, मतलब या 15 दिन बाद आना, 20 दिन बाद आना, तो मतलब बहुत टाइम होता जा रहा था। दो साल हो गए थे। फिर बाद में पता चला कि ये विधिक सहायता अधिकारी है, यहाँ पे जाओ, यहाँ से तुमको जरूर फायदा मिलेगा, वहाँ पे बताना तुम्हारे साथ। विधिक सेवा से सहायता की जानकारी मिलने पर पद्मा जिला विधिक सेवा केंद्र मंडलेश्वर गई और न्यायिक स्वयं सेवक जितेंद्र ने समस्या सुनकर तुरंत उनके आवेदन को आगे बढ़ाकर सहायता की। घर नहीं दिया, घर नहीं दिया। कहाँ पर रहते हैं? मैं किराए के मकान में रह रही हूँ। इसका समाधान मिलेगा। महिला जब हमारे क्लिनिक पर आई तो उनकी सारी कहानी सुनने के पश्चात मैंने एक्शन ये लिया कि आपका यहाँ पर काम सरलता से हो सकता है और आप इसके लिए एक आवेदन दे दीजिए। मैं उसको मेरे जो सीनियर हैं जिला विधिक प्राधिकरण मल्लेश्वर, उनको मैं देखे आपकी पूर्णतः मदद करेंगे। तो मैंने यही उनसे आवेदन लिया और अग्रिम कार्य के लिए मैंने हमारे जो उच्च स्तरीय जिला अधिकारी है उनको मैंने फॉरवर्ड किया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में जो भी पक्षकार आता है, हम लोगों का पहला प्रयास ये रहता है कि दोनों पक्षों को बिठाकर सुलह समझौता से मामले का निराकरण किया जाए। तो इस केस में भी हमने वही किया। सबसे पहले इनके ससुराल पक्ष को बुला के सुलह समझौता का प्रयास किया। उसमें जो सहमति बनी उसके हिसाब से इनके संपत्ति का बंटवारा हो गया, जमीन का, खेती की जमीन का। लेकिन इनका मकान का विवाद पर सहमति नहीं बन पा रही थी। तो हम लोगों का यह अगला कदम होता है कि अगर सुलह चर्चा से मामला न बन पाए तो हम महिला को यदि वो पात्र होती है तो विधिक सहायता उपलब्ध कराते हैं। उसके अंदर एक वकील हमारी पैनल में से नियुक्त किया जाता है जो सरकारी व्यय पर इनका केस न्यायालय में पेश करता है और पूरा लड़के और उसके बाद हमारे माध्यम से उसको फीस का भुगतान किया जाता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने PIL के क्षेत्र में प्रभावी कदम उठाए हैं और सराहनीय काम किया है। उनके आदेशों से विधिक सेवा प्राधिकरण को शक्ति मिल जाती है, जिसके आधार पर हर तरह की समस्या के प्रावधान के लिए रास्ते निकल आते हैं। कहीं भी किसी तरह के अन्याय के खिलाफ कोई न कोई खड़ा हो जाता है और न्यायालय उनकी बात सुनता है। विधिक सहायता के माध्यम से ही सारी मेरे को चीजें मिली और खेती भी मिली और मेरे को अभी घर का भी मतलब कि मिल जाएगा। मेरे को इतनी उम्मीद है क्योंकि मेरे को खेती मिल गई तो मेरे को घर भी मिलेगा और मैं भी सारी मतलब जो भी मेरे जैसी महिलाएं हैं तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि वो विधिक सहायता हर जगह रहती है और उनका मतलब कि सहयोग ले और उनके पास जाए और उनकी मदद ले। विधिक सेवा के प्रयासों से पद्मा को न केवल उनके हक की जमीन मिली बल्कि सम्मान के साथ जीवन जीने की हिम्मत भी मिली। आज उसी जमीन पर पद्मा ने खुद की मेहनत से एक छोटा सा घर भी बना लिया है, एक ऐसा घर जो उसके छोटे से परिवार को सिर्फ सुरक्षा ही नहीं दे रहा, अपनी आकांक्षाओं और सपनों को सच करने की हिम्मत भी दे रहा है। बिटिया रीना 11वीं कक्षा में पढ़ रही है और 8वीं कक्षा में पढ़ने वाला बेटा कुलदीप डॉक्टर बनने का सपना लिए उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ रहा है। मजलूमों को न्याय मिलेगा, अपने इस हिंदुस्तान पर हक हमारा भी तो है, उम्मीदों के इस गुलशितां पर हक हमारा भी तो है, एक मुट्ठी आस पर हक।
न्याय सबके लिए।